हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए जो जानकारी लेके आए हैं वो है चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद, जो कि हरियाणा के अंदर है। उसमें कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो आपको पूरा देखना है, कहीं कोई स्किप नहीं करना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और अगर फ्यूचर में आप साल 2020 के अंदर आने वाली नई नई वैकेंसीज और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद से संबंधित कोई जानकारी या लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना होगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त हो। फ्रेंड्स, आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो CRSU जींद, जिसके एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020 है, जो कि 17 मार्च 2020 से संबंधित है। इसमें कह रहे हैं कि डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन जो कि 20 मार्च 2020 यानी कल से स्टार्ट हो जाएंगे, एंड द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन वो 10 अप्रैल 2020 तक चलेंगे, एंड लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ अप्लीकेशन बाई हैंड या रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट वो जो कि 17 अप्रैल 2020 तक आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी आपको जानकारी मिलेगी, ये सीरियल नंबर रहेगा, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट रहेंगी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट बताएंगे हम आपको, और यहाँ पे रहेगा पे लेवल एज पर 7th CPC। एक्शन सिविल एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 11 रहेगा। PA पर्सनल असिस्टेंट 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, L6 रहेगा, लेवल 6 रहेगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, L6 रहेगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन केमिस्ट्री 1 पोस्ट है EWS के लिए, इसके लिए पे लेवल 6 रहेगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन मैथमेटिक्स के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, इसमें भी पे लेवल 6 रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट के लिए, टोटल 4 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 फॉर अनरिजर्व, 1 फॉर EWS एंड 1 फॉर SC, और इसमें भी पे लेवल 6 रहेगा। नेक्स्ट है केयर टेकर के लिए, 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 4 रहेगा। नेक्स्ट है कलर्क, टोटल 6 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 हैं, EWS के लिए 1 है, BCA के लिए 1 है, ESM अनरिजर्व के लिए 1 है, और BCB के लिए भी 1 है, और इनके लिए जो पे लेवल रहेगा वो 2 रहेगा। आगे है फ्रेंड्स लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स के लिए, टोटल 3 वैकेंसी हैं, जिसमें 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, 1 पोस्ट SC के लिए है, 1 पोस्ट BCA के लिए है, पे लेवल 2 रहेगा इसके लिए भी। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री के लिए, 3 पोस्ट हैं और तीनों ही अनरिजर्व के लिए हैं, पे लेवल 2 रहेगा। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट मैथमेटिक्स के लिए, इसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं, 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, 1 पोस्ट है ESM अनरिजर्व के लिए 1, और BCB के लिए 1 है, और पे लेवल 2 रहेगा। नेक्स्ट है प्यून के लिए, जिसमें टोटल 9 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 4 हैं, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, BCA के लिए 1 है, ESM अनरिजर्व के लिए 1 है, और BCB के लिए भी 1 है, और DL दिल्ली इनको जो मिलेगा अलाउंस वो मिलेगा इनको। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसमें जो क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट अबो मेंशन, जिसका एक आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा, उसके अंदर आपको ये कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। उसके लिए आप हमारा पार्ट 2 का जो वीडियो है वो ज़रूर देखें, और उसका लिंक है वो हम नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट मेंशन अबो आर प्लेस्ड एट अनेक्सर बी। आप या तो वेबसाइट पर जाकर के अनेक्सर ए अनेक्सर बी में देख सकते हैं, या फिर इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपको हमारा पार्ट 3 का जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा, और उसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट इसमें वेरी कर सकते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि ओनली दोज पजेसिंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में अप्लाई ऑनलाइन लेटेस्ट बाई अप्रैल 10, 2020 फ्राइडे, देर आफ्टर वेबसाइट लिंक विल बी डिसेबल, द कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस। आपको एडवांस में अप्लाई करना है बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए हुए। या इसमें हम बात करें कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, वो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। इसमें कुछ जो फीस है वो थोड़ी सी वेरी कर रही है कि सीरियल नंबर एक जो पोस्ट है उसके लिए फीस है वो मेल एंड फीमेल के लिए 1,000 रुपये है, फीमेल हरियाणा रेजिडेंट के लिए 500 रुपये है, SC BC EWS हरियाणा रेजिडेंट के लिए 250 रुपये है, और PWD एंड एक्स सर्विसमैन हरियाणा रेजिडेंट के लिए कोई फीस नहीं है। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 2 से लेकर के 12 तक, इसमें है मेल इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट एंड फीमेल नॉन हरियाणा रेजिडेंट के लिए 500 रुपये फीस है, फीमेल हरियाणा रेजिडेंट के लिए 250 है, और SC BC EWS एंड हरियाणा रेजिडेंट के लिए 125 रुपये की फीस है, और PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। इसमें आगे बताया गया है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट अलोंग विद रिक्विजिट फी, द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट, को डिटरमाइन किया जाएगा। जो भी नॉर्म्स रहेंगे वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नॉर्म्स के रूल्स फॉलो होंगे। इसमें आगे बताया गया इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखिए कि द अबो मेंशन नॉन टीचिंग पोस्ट अर्लियर एडवर्टाइज वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016, एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2016 एंड रिलेटिंग कोरिजेंडम स्टैंड विदड्रॉन, वो सारी पोस्ट विदड्रॉ कर ली गई हैं। द कैंडिडेट्स हु हैड अर्लियर अप्लाइड फॉर दीज पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 और 9/2016 एंड रिलेटेड कोरिजेंडम एंड इंटरव्यू फॉर द सेम वॉज नॉट कंडक्टेड आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रेश। दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट विश टू अप्लाई एज पर दिस एडवर्टाइजमेंट मे क्लेम फॉर रिफंड ऑफ फी टू द डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद विद ए वैलिड प्रूफ लेटेस्ट बाई 30 अप्रैल 2020 फॉर दीज एडवर्टाइज पोस्ट, देर आफ्टर नो अप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ फी शेल बी कंसिडर्ड। तो 2016 के अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 और 9 के थ्रू जिस कंडीशन अप्लाई किया था वो दोबारा से अप्लाई करें और वो सारी पोस्ट विड्रॉ कर दी गई हैं, आप अपना रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट CRSU जींद यूनिवर्सिटी से संबंधित। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के मुझे बताएं और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।